वहां कौशल में लगा है कांग्रेस को बड़ा झटका। जबलपुर मेयर बीजेपी में शामिल हुए हैं। मेयर जगत बहादुर अनु बीजेपी में शामिल। डिंडोरी जिला पंचायत के अध्यक्ष ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के कई पार्षदों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या पदाधिकारी और क्या बिना पद के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भाजपा का पटका इन्हें बनाया गया है। देखिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीएम डॉक्टर यादव यहां आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय। तो महाकौशल के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, यहां तक कि जबलपुर मेयर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा जब से हुई है, परमात्मा ने हमारा राम राज्य लाने की दिशा में ये परिवार बड़ा करने का ये जो अभियान चलाया है, व्यक्तिगत परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर जो पार्टी को खड़ा करता है, ये उसके दिन ऐसे ही आते हैं जो कांग्रेस के हो रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनने अपने बलबूते पर जब समय समय पर बड़ी बड़ी परीक्षा देकर के, और आज तो समय बदल गया है, क्योंकि आप भाजपा का जीतना केवल भाजपा के लिए जरूरी नहीं, भाजपा का जीतना देश के लिए जरूरी, इसलिए आपने ये बड़ा कदम उठाया, देश के लिए कदम उठाया, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जो हमने 2023 के चुनाव से पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, तो अब तक कांग्रेस के मन में भी मोदी देश के अंदर छा गए हैं। इस बार तो 29 की 29 सीटें जीत करके मोदी जी की झोली में डालना है और देश के अंदर सर्वाधिक वोट परसेंट मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक का। मैं उस दिन बहुत आहत हुआ जिस दिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। मैं अयोध्या के समीप रहने वाला, हमारा परिवार, हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं, और उस दिन से मुझे लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विकास और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो देश में बड़ी योजनाएं और उनकी गारंटी आ रही है, उसको लेकर मैं काफी दिनों से विचार कर रहा था और अत्यंत प्रभावित हुआ